यार मेरा ना जिंदगी में बहुत ज्यादा तंगी चल रही है, लेकिन अपन को खाना भी अच्छे से खाना है, दोस्तों को पार्टी भी देनी है, तो ऐसी जगह पता है वेज नॉन वेज दोनों मिला, खतरनाक वाला मतलब। यार खतरनाक वाला तो मैं बता दूंगी, लेकिन पता है आज मैं तुम्हें अनलिमिटेड बुफे बताने वाली हूँ, वेज और नॉन वेज दोनों मिलेगा। और प्राइस जानना है? हाँ 249 पर पर्सन हमारा आएगा वेज का, और नॉन वेज का आएगा 349। बस यस, जो 349 आप नॉन वेज का अगर बाहर खाते तो एक ही डिश आएगी यहाँ हाँ, पे, आपको है ना अनलिमिटेड बुफे मिलेगा आराम से। बहुत ज्यादा वेरायटी भी है नॉन वेज में भी नॉन वेज में भी और वेज में भी। वेज तो मैं कहूंगी ये नॉन वेज खाएगा, से ट्राई करते हैं। चलो ट्राई। चलो आपको एक बार कैफे दिखाती हूँ, इतना ज्यादा प्रिटी बना हुआ है ना यार, मुझे ये डोर देख के पता थोड़ी सी गोवा वाली फीलिंग आ गई है, तो यार बहुत ज्यादा प्रिटी बना। लेट्स गो। एक हमारे पास आउटडोर सिटिंग है और एक हमारी इंडोर सिटिंग है। ये रही आउटडोर सिटिंग, और हमारा बुफे भी आपको अंदर ही मिलेगा, तो चलो अंदर चलते हैं। आ चुकी हूँ कैफे के अंदर, बहुत ज्यादा क्यूट बना हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि बुफे में हमारे पास क्या क्या। सबसे पहले आप ये चीज देखो, हमारा नॉन वेज सेक्शन और वेज सेक्शन बिल्कुल अलग रखा हुआ है। ये नहीं है कि साथ में रखा रहेगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको मिलेंगी तो ये है सबसे पहले हमारे पास कुछ सैलड्स, पापड़। नेक्स्ट वी हैव हमारे पास आई थिंक सो ये कुछ स्वीट है, डिजर्ट्स में है ये हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव द रायता। इतनी सारी वैरायटी आपको मिलने वाली है यार। नेक्स्ट वी हैव अचार। और तो ये है सबसे पहले हमारे पास मेन कोर्स में है दाल तड़का। लुक एट दिस, दिखने में काफी ज्यादा टेस्टी दिख रही है, गर्मा गर्म। एंड नेक्स्ट वी हैव दिस इज आवर जीरा राइस। दाल के साथ जीरा राइस तो चाहिए ना। नेक्स्ट हमारे पास मेन कोर्स में ही आई गेस ये होगा, दिस इज आवर छोले। लुक एट दिस, दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छा। और रोटी में भी आई थिंक सो आपके पास दो ऑप्शंस तो होंगे, वो मैं भी पता कर लूंगी। और नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज समथिंग पनीर आई गेस। यस, दिस इज अवर पनीर की सब्जी, बटर पनीर मसाला हो गया यस, या फिर कढ़ाई पनीर। नेक्स्ट है हमारे पास वी हैव स्टार्टर्स में नूडल्स। यार दिखने में काफी अच्छी दिख रही है, इसमें काफी सारे गार्लिक्स अनियंस भी है, और काफी थिक भी है, थिन है थिन। नेक्स्ट वी हैव स्टार्टर्स में हमारे पनीर टिक्का। और अब दिखाती हूँ मैं आपको कि नॉन वेज में हमारे पास क्या क्या। दिस इज अवर चिकन टिक्का है ना, दिस इज अवर चिकन टिक्का। यहाँ आपको अनलिमिटेड ये सारी चीज़ें मिलेगी, आपको जितनी खानी है उतनी खा सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्टर्स में ये है हमारे चिकन नूडल्स। आपने चिकन नूडल्स नहीं खाए होंगे ज्यादातर बुफे में। लुक एट दिस, में चिकन के कितने अच्छे चंक्स भी हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस इज अवर बटर चिकन। लुक एट दिस, लुक एट द पीस, दिस इज अवर बटर चिकन। एंड नेक्स्ट वी हैव चिकन कढ़ाई। अमन तुम्हारे मजे हो गए आज, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ, अमन ही खाएगा। पीस काफी अच्छे हैं। चलो अब मैं मिलती हूँ आपको टेबल पे। तो हम लोग हमारी प्लेट्स लगा चुके हैं, हमारा अनलिमिटेड बुफे अंदर था, तो हम लोगों ने सोचा बाहर बैठते, इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं है तो हवा भी अच्छी चल रही है। तो ये कुछ हमारी प्लेट्स भैया, इतनी ज्यादा अच्छी दिख रही है ना। यहाँ अमन का नॉन वेज भी लग चुका है, नॉन वेज तो अपन खाते नहीं, अमन खाएगा। तो चलो कुछ वेज में ट्राई करते। ये है हमारे पास पनीर टिक्का, ये थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके देखते हैं इसके ऊपर। यार दिखने में इतना ज्यादा प्रिटी दिख रहा है ना, चलो। और ये है साथ में हमारे पास मिंट चटनी, गर्मा गर्म पनीर टिक्के। ओए होए, चलो ट्राई करते हैं। मजा आ गया। पनीर भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है, इवन तो मैरिनेशन काफी अच्छा हुआ। और मिर्च चटनी तो है ही काफी अच्छी, पुदीना वाली, धनिया वाली, काफी मसालेदार है। नेक्स्ट वी हैव हमारी नूडल्स। दिखने में भी काफी अच्छी दिख रही है, इवन दो है इट हैड लिटिल वेजी, ज्यादा नहीं है बट लिमिटेड है। इसमें जो गार्लिक का टेस्ट आ रहा है ना, दैट इज बैंग ऑन, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है, काफी सही है। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास मेन कोर्स। मेन कोर्स में वी हैव छोले, कढ़ाई पनीर एंड द
दाल तड़का राइस, यहाँ पे आपको जो मेन्यू है ना वो हर बार चेंज मिलेगा। सैटरडे संडे आप आओगे तो हमेशा डिफरेंट चीजें ही मिलेंगी। तो चलो एक बाइट लेके देखते हैं हमारे छोले की। साथ में हमारे पास दो ऑप्शन है, तंदूरी रोटी और नान का ब्रेड्स में। दिस इज अवर छोले। काफी अच्छे हैं, मसालेदार। नेक्स्ट वी हैव हमारी पनीर की सब्जी। कमेंट में बताना भाई, बुफे में पनीर किस किस को पसंद है। काफी अच्छा है, दिन में मसालेदार, टेस्ट काफी अच्छा लगा मुझे। थोड़ा स्पाइसी साइड पर। नेक्स्ट वी हैव दाल तड़का एंड द जीरा राइस। देखने में अच्छी दिख रही है, थिक थिक सी। मजा आया। काफी दाल तड़का में भी एक पता है गार्लिक के हल्का सा पिंच आ रहा है तड़के में, जिसकी वजह से टेस्ट काफी अच्छा लगा मुझे, काफी टेस्टी है। एंड नेक्स्ट वी हैव रायता, बूंदी रायता, रिफ्रेशिंग, काफी फ्रेश है। एंड नेक्स्ट डिजर्ट में हमारे पास खीर, इसको कैसे भूल सकते हैं यार। दलिया। हाँ दलिया। काफी अच्छी लग रही है यार, दिल खुश हो गया। बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा। अब आपको बताने वाला है अमन नॉनवेज ट्राई करके। तो गाइस फाइनली अब मेरी बारी आ गई कुछ ना कुछ खाने की। देख देख के तो मेरा दिमाग खराब हो गया और भूख भी बहुत बढ़ गई थी। अब खाते हैं, पहले बता दूं हमारे पास एक है बटर चिकन और ये अपना कढ़ाई चिकन। देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है, आप देखते हैं कि स्वाद में कैसा है ये अपना। पहले बटर चिकन ट्राई करेंगे। ग्रेवी बहुत प्यारी बनी है, देखना चिकन कैसा है। उतना है इतना देर है, उतना है या नहीं है। बहुत प्यारा पीस था, तो टेस्ट में लग रहा था कि हाँ भाई बहुत ही अच्छा क्वालिटी का चिकन है और उसको बहुत प्यारे तरीके से बनाया भी गया है। ये भी च्यूई नहीं था और बहुत ही रिफ्रेशिंग टाइप का था ये। हाँ आएगा आप जरूर जरूर ट्राई करें इस चीज़ को। नेक्स्ट अपन करते हैं क्या अपना ये कढ़ाई चिकन। भाई घर पे तो बहुत खाया, आप देखते हैं यहाँ पे कैसा है। ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा हो गई, कोई नहीं। पीस से मतलब रखो। सबसे अच्छी बात है इसका जो नमक है, इसका जो कहते हैं मसाले मसाले हैं वो काफी मतलब कहते हैं इवन इवन है। इसकी वजह से ज्यादा ना तीखा हो रहा है ना ज्यादा लो हो रहा है। तो जिन लोगों को अगर आपको तीखा चाहिए आप उसका नमक डलवा सकते हो, लेकिन जो एवरेज है मेरी तरह है जिनको ज्यादा तीखा खाने में दिक्कत होती है उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और पीस की बारी है, मेरा फेवरेट। काफी अच्छा है। जिस तरह सॉफ्ट भी है जैसे टूट जा रहा है, बहुत ही अच्छा है। वेटर मेरे को तो काफी मजा आया इसको। फाइनली है ये अपना चिकन टिक्का। चिकन टिक्का, देखते हैं ये कैसा है। भाई साहब चटनी लेंगे। जितना देखने में अच्छा लग रहा है और अट्रैक्टिव लग रहा है उतना खाने में बहुत ही अच्छा है ये। अगर इसको अलग से भी लेना पड़े तो भाई मैं तो ले सकता हूँ अगर किसी अदर डे भी आकर, लेकिन बुफे है तो आप जरूर इसको ट्राई लिया एज अ स्टार्टर। अब बारी है हमारे नूडल्स की। भाई ये भी नॉन वेज में आता है, वेज वाला नहीं है, पहले बता दूँ। इसको हम ट्राई करते हैं, थोड़े बहुत पीस भी उठा लेते हैं, पीस भी है इसमें। उसे अपन वो नहीं खाते बिरयानी, बिरयानी में से पीसेस लगे रहते हैं उसी टाइप के पीसेस, उसी तरीके का स्वाद आपको इसमें आने वाला है। पीसेस ही बहुत ही अच्छे से बिल्कुल ग्राइंड करके उनको अच्छे से डाला गया ताकि उसका स्वाद बिल्कुल निखर के आए। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको वेज टाइप
केवल नूडल्स नूडल्स का स्वाद आएगा, आपको उसमें चिकन का भी स्वाद आने वाला है, तो इसको आप जरूर आके ट्राई कर सकते हैं। 349 में क्या ये अमन वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट है भाई, वरना कहीं और जाकर तो एक ही डिश मिलती है भाई साहब, यहाँ पे तो पूरा बुफे मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको। चलो अब हम इंजॉय करते हैं। हाँ तो अगर हम लोग हमारे फाइनल रिव्यू की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको इंडिविजुअल फूड भी मिल जाएगा, अगर आपको कुछ कुछ डिशेस खानी हो वेज नॉन वेज दोनों में ही, इसका मेन्यू मेरे पास ही है, अगर आपको चाहिए हो तो बताना। बाकी अदरवाइज अगर आप बोलोगे तो यार वाइब बहुत अच्छी है यहाँ पे, इवन दो फूड भी काफी अच्छा लगा मुझे बुफे में, और यहाँ पे अगर टोटल ओवरऑल अगर हम डिश देखें बुफे में तो भाई बुफे में 15+ है हमारे पास वेज नॉन वेज दोनों, और नॉन वेज में भी ऐसा नहीं है यार कि नॉन वेज वालों को ज्यादा वेराइटी नहीं है, उनके पास भी स्टार्टर्स में नूडल्स है, पनीर टिक्का है, इवन दो टाइप की ग्रेवी सब्जी है, सब्जी क्या बोल रही हूँ चिकन ग्रेवी है उनके पास दो टाइप्स में, और काफी वैरायटी ऑफ फूड अगर मैं बोलूंगी तो है, और टेस्ट वाइज भी काफी अच्छा लगा मुझे, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। ये बुफे होता है सैटरडे संडे, टाइमिंग्स आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप चेकआउट कर सकते हो, और एड्रेस भी। वीडियो पसंद नहीं, वीडियो नहीं, पहले अमन का रिव्यू ले लेते हैं नॉनवेज के लिए कि उसको कैसा लगा। तो भाई मेरे हिसाब से तो जो नॉनवेज था वो काफी अच्छा था, और 349 प्राइस के हिसाब से तो काफी अच्छा है आपको, और आपको दो ग्रेवी मिल गई है, एक स्टार्टर मिल गया है, रोटी है ही अपने पास, तो उसका कोई मतलब, और नूडल्स भी हैं अपने पास, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, फुल पैकेज है, जितना चाहो उतना आप ले सकते हो बुफे सिस्टम अपना, तो ज़रूर आइए। और अगर इस वीडियो को श्रद्धा कपूर ने लाइक किया तो मैं बिल्कुल पढ़ाई चालू कर दूंगा। सो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बिल्कुल सब्सक्राइब करना, और जो श्रद्धा कपूर वाली बात की वो झूठी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब चैनल।